हेलो फ्रेंड, दिस इज दिलीप। आज के वीडियो में हम देखेंगे टेली की कई सारी एंट्रियां जिनको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, इस वाले पे मैंने कंपनियां पहले से क्रिएट कर ली है। ठीक है, अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आती है तो आप मेरी ओल्ड वीडियो को देख सकते हो और वहां पर कंपनी क्रिएट करना सीख सकते हो। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम एंट्री क्रिएट करना देखेंगे कि एंट्री को कैसे क्या बनाते हैं। ठीक है, तो जो इस एंट्री का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित व्यवहारों की चंद्रमोहन की पुस्तक में नकल प्रविष्टि कीजिए। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो हम जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ चंद्रमोहन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया फ्रेंड, सिंपल सा हमको चंद्रमोहन की एंट्रिया करना है। ठीक है, तो चंद्रमोहन की एंट्रिया करना है। यहाँ पे कई सारी एंट्रिया दे रखी है, यहाँ पे 10 एंट्रिया दे रखी है जिनको हमको स्टेप बाय स्टेप करना है चंद्रमोहन की एंट्रियों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इनके हमको साथ में लेजर भी क्रिएट करना है और एंट्रिया भी करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप बने रहिएगा, मैं आपको पूरा ही बेसिक से बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंट्री देखिए, हमारी व्यापार प्रारंभ किया, अगर इसको इंग्लिश में बोले हम तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही एंट्री करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो चलते हैं हम टेली के मेन इंटरफेस पे और वहां पर चलकर इन एंट्रियों को करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपको एंट्री करने के लिए वाउचर पर आ जाना है। ठीक है, तो मैं वाउचर पर आ जाता हूँ और वाउचर पर आकर फ्रेंड अगर आपको पीछे की साइड जाना है तो स्किप बटन करना होता है। ठीक है, और आगे आना है तो एंटर प्रेस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली, ठीक है, ये हमारे टेली का मेन इंटरफेस होता है जिसपे मेरे को किस पे आना, वाउचर पर जाना होता है। ठीक है, तो वाउचर पर जाकर मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे इंटर किया, हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री करना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मेरी फर्स्ट एंट्री देख लीजिए आप एक बार, और व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, 15,000 रुपए लगाकर हमने व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, तो ऐसी एंट्री हम करते हैं जनरल में। ऐसी एंट्री किसमें करते हैं हम, जनरल में। ठीक है, तो जनरल के लिए आपको क्या करना होगा, F7 प्रेस करना होगा। ठीक है फ्रेंड, F7 आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके पास ऐसा जनरल का वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री करना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमको जो एंट्री होती है वो होती है हमारी ये वाली। अगर एंट्री मैं आपको बताऊं तो ये वाली एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पर कैश टू कैपिटल। क्यों बनेगी ये, इसमें देखिए फ्रेंड हम क्या लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, हमारा कैश आ रहा है, तो आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा लगता है क्या है, कैपिटल लगता है। ठीक है फ्रेंड, क्या लगता है, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, हमारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पे कैश का लेजर शो नहीं हो रहा है, अगर आपके पास भी नहीं हो रहा है तो आपको कहाँ करना है, शो मोर पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर इधर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, शो मोर पर क्लिक करना है। ठीक है, शो मोर पर आप जैसे एंटर करोगे वैसे ही यहाँ पर कैश का लेजर ओपन हो जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे यहाँ पर पैसे दिए हुए हैं 15,000 रुपए, उनको हमको डालना है सिंपल सा। ठीक है, तो 15,000 में यहाँ पर डाल देता हूँ, तो 15,000 मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद में क्या करना है आपको, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास से जाता है क्या है, कैपिटल जाता है। ठीक है, तो कैपिटल जाता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल का लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट यहाँ पर आ जाना है आपको, और यहाँ पर आकर क्रिएट पर इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ सिंपल सा आपको कैपिटल का लेजर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो कैपिटल लिखना है आपको नेम में, और जिसके बाद इंटर करना है, इंटर करना है, या अंडर में आके आपको क्या करना है, कैपिटल सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और कैपिटल आपको कहाँ पे मिलेगा, या तो आप लिख भी सकते हो या इधर की साइड लिस्ट ऑफ ग्रुप दिया हुआ है यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल मेरा सिलेक्ट है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और जिसके बाद में आपको क्या करना है, इंटर करना है, इंटर करना है, इनको किसी को फिल नहीं करना है अभी आपको। ठीक है, बस इंटर करते जाना है और इंटर करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे पैसे 15,000 रुपए जो सेकेंड बार में आए हमारे, ये अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे नरेशन दे सकते हो कि आपने यहाँ पर क्या किया थी। ठीक है, तो मैं नरेशन देता हूँ, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नरेशन दे दिया है। ठीक है, आप भी नरेशन दे सकते हो, वैसे नरेशन जरूरी नहीं होती है। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो दे सकते हो या फिर एंटर एंटर कर देना है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम सेकेंड एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री करने के लिए हम देख लेते हैं सेकेंड एंट्री क्या है हमारी, नगद माल खरीदा। अगर इसको इंग्लिश में हम बोले तो क्या लिखा रहा है यहाँ पर, कैश गुड्स परचेज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, नगद माल खरीदा, और कितने का खरीदा, यहाँ पर हमने 2500 रुपए का नगद माल खरीदा है, ठीक है। 2500 रुपए का हमने क्या खरीदा है, नगद माल खरीदा है, ठीक है। तो आ जाते हैं अब ये वाली एंट्री किसमें होगी हमारी, ये होगी हमारी परचेज में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, F9 प्रेस करना है, ठीक है। अगर ये शॉर्टकट की आपके पास काम नहीं कर रही है तो इधर की साइड आप देख सकते हो, इधर की साइड यहाँ पर कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जनरल सेल्स परचेस, ये सारी एंट्री यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आके आपको सिंपल से क्लिक करना है परचेस पर, ठीक है, या फिर F9 प्रेस करना है, ठीक है। और ऐसा इंटरफेस हमारा आ जाता है, जैसे ही आप F9 प्रेस करोगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना होता है, आपको चेंज मोड करना होता है इसका, ठीक है, क्योंकि हम अभी सिंपल एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये हमारी सिंपल एंट्री है, इसलिए हम यहाँ पे चेंज मोड करेंगे। तो चेंज मोड पर आके आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको अस वाउचर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। क्या सिलेक्ट करना होता है, अस वाउचर सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने अस वाउचर सिलेक्ट किया, जिसके बाद में आपको सिंपल सा इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। जब भी हम माल परचेस करते हैं, ठीक है, तो हम जब भी माल परचेस करेंगे तो हमारे पास से जाएगा क्या, मान लीजिए आप कुछ भी खरीद रहे हो तो आपके पास से पैसे आते हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पे जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, ठीक है। इसलिए हमने CR में यहाँ पर कैश को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और इस पे आके इंटर करना है सिंपल सा। अब इंटर आपको करते जाना है, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है अभी, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल से इंटर सीख रहे हैं, ठीक है। इंटर आपको करते जाना है, जिसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी आपके वहां पर पैसे एंट्री में शो हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको लिखना है। यहाँ पे कितने हो रहे हैं हमारे, 2500 रुपए शो हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख, 2500 रुपए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2500 रुपए लिख दिया है, जिसके बाद में आपको इंटर करना होता है, ठीक है। इंटर करने के बाद अब आपको क्या करना होता है, एक लेजर क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट पर आकर क्रिएट के ऑप्शन पे आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर मैंने इंटर किया और यहाँ पे मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लेजर हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, परचेस का, क्योंकि हम ये परचेस वाली एंट्री बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको नेम में परचेस लिखना है, सिंपल सा इंटर करना है। यहाँ पे आके आपको परचेस अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे आप PU लिखे हुए तो यहाँ इधर की साइड परचेस अकाउंट शो हो जाएगा और यहाँ पे आके इंटर करना है इस पे, ठीक है। अब आपको इंटर करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इंटर करना है, जिसके बाद में अपने आप ही यहाँ पर 2500 रुपए आ जाएंगे, जिसके बाद में इंटर करके इसको सेव कर देना है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे चाहे तो आप नरेशन दे सकते हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता, अभी मैं नरेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल करके इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया और जिसके बाद में अब हमारी सेकेंड एंट्री हो चुकी है। अब थर्ड वाली एंट्री देख लेते हैं हम। सर थर्ड वाली जो एंट्री है हमारी क्या है, नगद माल बेचा, ठीक है, गुड्स सेल सोल्ड, ठीक है। कितने का बेचा हमने नगद माल, 1000 रुपए का नगद माल बेचा, ठीक है। तो जब भी हम माल बेचते हैं तो ये वाली एंट्री करते हैं हम F8 में या सेल्स में, ठीक है। तो आपको F8 प्रेस करना होता है, ठीक है। तो F8 आप जैसे ही प्रेस करोगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ भी चेंज मोड करना होता है। चेंज मोड करने के लिए यहाँ पर लिखा रहा है चेंज मोड, यहाँ पर आकर आपको क्लिक करना होता है चेंज मोड, और यहाँ से भी आपको अस वाउचर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अस वाउचर पे आके आप इंटर करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब हमारे पास ये एंट्री है नगद माल बेचा, कितने का बेचा हमने नगद माल, 1000 रुपए का बेचा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी माल बेचते हैं तो हमारे पास आता क्या है, आता कैश है, ठीक है। तो आने वाली वस्तु को डेबिट करो, इसलिए हम DR में कैश को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में इंटर करते जाना है आपको, ठीक है। इंटर किया मैंने, इंटर किया और इंटर करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जितने का भी हमने माल बेचा है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने का बेचा हमने, 1000 रुपए का माल बेचा है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, 1000 रुपए, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने 1000 लिखा, जिसके बाद में यहाँ पर क्या करना होता है, सेल्स का लेजर आपको क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, तो मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेल्स, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हमको सेल्स लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेल्स, ठीक है। यहाँ पे सेल्स लिखना होता है, सेल्स के बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या प्रेस करना है, सेल्स, ठीक है। यहाँ पे सेल्स की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई, मैं सेल्स सही लिख लेता हूँ, सेल्स, ठीक है।
यहाँ पे एक बार और आता हूँ और यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपको सिलेक्ट करना होता है। सेल्स अकाउंट मैंने सिलेक्ट से कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करना है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है, जिसके बाद में आपको एंटर करते जाना है और यहाँ पर भी आपको एंटर करना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हमारी तीन एंट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पे चौथी एंट्री हम देख लेते हैं। तो चौथी एंट्री हमारी क्या है, बैंक में पैसे जमा किए, ठीक है, चौथी एंट्री क्या हमारी बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है। जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो वो वाली एंट्री किस में करते हैं, वो वाली हम काउंटर में करते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखें इसको तो डिपॉजिट इनटू द बैंक, ठीक है, बैंक में क्या कर रहे हैं हम, डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब पैसा जमा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 2000 रुपए, ठीक है, बैंक में 2000 डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब 2000 रुपए जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपको F4 प्रेस करना होता है या काउंटर पे आकर प्रेस करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने किया यहाँ पर आ चुका है। हम मान लीजिए जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो बैंक क्या होता है हमारा पाने वाला होता है और पाने वाले को क्या करते हैं हम, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, कैश, ठीक है। अब कितना, 2000 रुपए हमारा, तो यहाँ पे 2000 रुपए डाल लेते हैं, सिंपल सा एंटर करते हैं, ठीक है। और DR में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बैंक, ठीक है, तो बैंक के लेजर आपको क्रिएट करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करोगे आप, क्रिएट के ऑप्शन पे आकर इंटर करोगे, ठीक है। यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे मैं आ जाता हूँ, जिसके बाद में यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है बैंक, ठीक है, बैंक लिखने के बाद यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको बैंक अंडर में बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, और जिसके बाद में इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे डिटेल हो तो फिल कर सकते हो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इंटर करते जाना है आपको, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। ये वाली हमारी एंट्री हो चुकी है, अब आपको इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। इंटर जब तक करना, जब तक हमारी एक्सेप्ट ना हो जाए, तो मैंने इंटर किया, एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हम अगली एंट्री देख लेता है, इसमें अगली एंट्री हमारी क्या है, ठीक है। जो अगली एंट्री आप यहाँ पर देख रहे हो, नगद माल बेचा, ठीक है, नगद माल बेचा हमने, तो इंग्लिश में देख लेते हैं, गुड्स कैश सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे कितने का नगद माल बेचा हमने, 1200 रुपए का नगद माल बेचा, ठीक है फ्रेंड। ये वाली एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, 1200 का हमने नगद माल बेचा। तो मैंने अभी माल वाली एंट्री आपके सामने की थी कि जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसको हम सेल वाले अकाउंट पे प्रेस करते हैं, ठीक है, थीके? तो आपको क्या करना है, F8 प्रेस करना है या सेल्स पे आके क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, सेल्स और परचेस में आपको चेंज मोड करना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा रहा है चेंज मोड, इस पे आके आपको क्लिक करना है। इस पे आके क्लिक करने के बाद में यहाँ से अस वाउचर आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। इस पे आके आप एंटर करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके आपको सिंपल सा, जब भी हम माल बेचते हैं तो क्या आता है, हमारे पास कैश आता है, इसलिए वहाँ पे मैंने कैश सिलेक्ट किया और एंटर आपको करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आके जितने भी पैसे है वो लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पैसे कितने हैं यहाँ पे, 1200 रुपए है, ठीक है। तो 1200 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड, 1200 मैंने लिख दिया है यहाँ पे। 1200 लिखने के बाद आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको सेल्स सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, जिसके बाद में आपको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अगली एंट्री देख लेते हैं हम, अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी नकद माल बेचा, ठीक है, नकद माल खरीदा। यहाँ पे इंग्लिश में अगर बोले इसको कैश गुड्स परचेस, ठीक है, यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं और कितने का कर रहे हैं, 1500 रुपए का हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेस वाली एंट्री भी मैंने करके दिखाई थी, तो आते करते उसको वापस, ठीक है। तो परचेस के लिए आपको F9 प्रेस करना होता है या परचेस पर आके क्लिक करना होता है, ठीक है। परचेस पर आके मैंने क्लिक किया, यहाँ पर भी आपको चेंज मोड करना होता है। चेंज मोड करने के लिए यहाँ पर आ जाना है, चेंज मोड पर यहाँ पर क्लिक करना है और अस वाउचर यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और इस पे इंटर कर दोगे आप, ठीक है, और जिसके बाद में आपको एंटर करना है, ठीक है फ्रेंड। जब भी हम माल परचेस करते हैं, ठीक है, थीके? तो हमारे पास से जाता क्या है, कैश जाता है जब भी हम माल खरीदते हैं, ठीक है, इसलिए वहां पर CR में आपको कैश सिलेक्ट करना है और एंटर करते जाना है, ठीक है फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, एंट्री क्या है हमारी, नगद माल खरीदा, ठीक है, कितने का खरीदा, 1500 रुपए का, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1500 रुपए, ठीक है। पैसे आपको इधर की साइड लिखना होता है, CR डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। यहाँ पे एंटर करूंगा मैं और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, अब नगद माल खरीद रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परचेस सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि परचेस मेरे पास आता है, जब भी हम माल खरीदते हैं तो माल हमारे पास आता है। जिसके बाद में आपको एंटर करना है, ठीक है, और इंटर करना है। यहाँ पे चाहे तो आप
नरेशन दे सकते हो, या जरूरी नहीं कि एंटर एंटर इसको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड, अब अगली एंट्री हम देख लेते हैं। इसमें अगली एंट्री हमारी क्या बोलती है इसमें, ठीक है, जो अगली एंट्री है हमारी वो क्या है, किराया दिया, या इसको इंग्लिश में बोल ले तो यहाँ पे क्या किया हम, पेड रेंट, ठीक है, हमने यहाँ पे किराया दिया, रेंट दिया, तो कितना दिया हमने, 450 रुपए यहाँ पर रेंट दिया है। ठीक है, 450 हमने दिया है, तो रेंट देने वाले एंट्री जब भी हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब रेंट दे रहे हैं मतलब पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो पेमेंट करने वाली एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। इसके लिए आपको F5 प्रेस करना होता है या पेमेंट पाकर क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे आप पेमेंट पाकर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने अकाउंट पढ़ा होगा तो यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट लगता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जो भी दिया उसको डेबिट करो। ठीक है, जो भी दिया उसको डेबिट करो, तो हमने दिया क्या, रेंट दिया, तो रेंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो रेंट का आपको लेजर क्रिएट करना होगा, लेजर पे आके यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना होगा। ठीक है, लेजर पे आके मैंने एंटर किया, इंटर करने के बाद में यहाँ पे लेजर किसका क्रिएट कर रहे हैं हम, यहाँ पे रेंट का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेजर रेंट लिखेंगे। ठीक है, जिसके बाद में आपको एंटर करना है, एंटर करना है और यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आके क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये जो भी हमारे होते हैं अदर खर्च होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करना है और एंटर एंटर कर देना है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर आके क्या करना है, अब यहाँ पे आके आपको पैसा डालना होता है। ठीक है, तो पैसा देख लेते हैं हम, कितने, 450 रुपए हमारे रेंट कितना दिया हमने, 450, इसलिए हम यहाँ पे 450 डालेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पे आके आपको क्या सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे आपको कैश सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और जिसके बाद में इंटर नरेशन दे सकते हो। ठीक है, मैं नहीं दे रहा हूँ, इंटर एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, नरेशन में क्या देना है, जो ही क्वेश्चन में लिखा है सेम टू सेम आपको नरेशन में लिख देना है। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, अगली एंट्री देख लेते हैं। जो अगली एंट्री है वो हमारी क्या है, यहाँ पर लेखन सामग्री खरीदी, क्या कि हमने यहाँ पर लेखन सामग्री खरीदी। ठीक है, इंग्लिश में बोले इसको स्टेशनरी परचेस। ठीक है, यहाँ पे कितने की स्टेशनरी परचेस की हमने, 75 रुपीज की। ठीक है, 75 रुपए की हमने स्टेशनरी खरीदी। ठीक है, तो जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो उसको किसमें करते हैं, परचेस में। ठीक है, तो परचेस पे आपको आ जाना है, परचेस पे मैं आ गया। ठीक है, परचेस पे आने के बाद यहाँ पर क्या करना होता है, आपको चेंज करना होता है। ठीक है, चेंज मोड करना होता है, इसलिए चेंज मोड पे आके आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से अस वाउचर आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अस वाउचर मैंने सिलेक्ट किया और जिसके बाद में इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, जब भी हम स्टेशनरी खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, तो हमारे पास जाता क्या है, कैश, इसलिए आपको यहाँ पर कैश सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, कैश सिलेक्ट करने के बाद में इंटर 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 करते जाना है। ठीक है, इंटर करना, इंटर करना, इंटर करना, इंटर, और यहाँ पे आकर जो यहाँ पे लिखा रहा है क्रेडिट, यहाँ पे आपको पैसा डालना होता है। ठीक है, तो हम पैसा देख लेते हैं एक बार, जो स्टेशनरी खरीदी हमने कितने खरीदी, यहाँ पर 75 रुपीज की। ठीक है, 75 रुपए की हमने स्टेशनरी खरीदी, इसलिए यहाँ पे क्या डालेंगे हम, 75। ठीक है फ्रेंड, और जिसके बाद में इंटर करना है और यहाँ पे आपको परचेस सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे परचेस ही कर रहे स्टेशनरी को, इसलिए परचेस सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पर चाहे तो आप स्टेशनरी का लेजर बना सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नेम ऑफ स्टॉक में आके यहाँ पर अल्ट प्लस सी करना होता है। ठीक है, अल्ट प्लस सी करूंगा मैं तो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो स्टेशनरी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेशनरी। ठीक है, और जिसके बाद में इंटर करना है, इंटर करना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, बस इंटर जाना है और यहाँ पे आके आपको अमाउंट डाल देना है। ठीक है, अमाउंट कितना हमारा, 75 रुपीज, इसलिए 75 रुपीज मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है। ठीक है, और इंटर करूंगा मैं तो यहाँ पर देखिए हमारा आ चुका है। ठीक है, नरेशन आप दे सकते हो। ठीक है, मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटर। ठीक है, ये इंटर करके मैंने एक्सेप्ट किया। इसको अगली एंट्री देख लेते हैं हम। अगली एंट्री हमारी क्या है, बैंक में जमा किया। ठीक है, बैंक में हमने क्या किया, पैसा जमा किया। ठीक है, इंग्लिश में बोले इसको डिपॉजिट इनटू द बैंक। ठीक है, बैंक में हमने डिपॉजिट किया, कितने किया, 1600 रुपए हमने डिपॉजिट किया। तो कर लेते हैं इस एंट्री को। जब भी हम बैंक से रिलेटेड एंट्री करते तो वो हम कहाँ पर करते हैं, कॉन्ट्रा में करते हैं। ठीक है, तो आपको F4 प्रेस करना है या कॉन्ट्रा पे आके क्लिक करना है। तो यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, अब हमने बैंक में पैसा जमा किया। ठीक है, तो बैंक कौन हुआ, यहाँ पे पाने वाला हुआ, पाने वाले को हम डेबिट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर कैश सिलेक्ट करना होता है। बैंक में कितना पैसा जमा किया देख लेते हैं हम। ठीक है, तो 1600 रुपए हमने जमा किए, तो यहाँ पे 1600 आपको लिखना है सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ पे आके बैंक को सिलेक्ट करना है। बैंक को मैंने बताया था कि बैंक पाने वाला है, इसलिए इसको DR में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटर करना है, इंटर करना है। ठीक है, अब इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है आपको। ठीक है, इंटर करना है, इंटर इंटर इंटर
यहाँ पे नरेशन दे सकते हो, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगली एंट्री देख लेते हैं हम। अगली एंट्री क्या बोलती है हमारी, विद बे चुका है, या फिर इसको इंग्लिश में बोले हम तो पेड संडे एक्सपेंसेस, ठीक है, पेड संडे एक्सपेंसेस। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संडे एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, ये हमारे मतलब अदर खर्चे है, ठीक है। जब भी हम चुकाते हैं या पे करते हैं तो हम पेमेंट वाले में करते हैं, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर F5 प्रेस करना है या पेमेंट पे आकर क्लिक करना है, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पर क्या करना होता है, जो हमारा यहाँ पर अकाउंट लगता है वो हमारा लगता है यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को लगता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब भी हमारे अदर खर्च होते हैं तो उसमें नॉमिनल अकाउंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे संडे एक्सपेंसेस का हमारा लेजर बनेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट पर आकर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट पर आके मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर लेजर बना लेता हूँ। लेजर किसका बना लेता हूँ मैं, संडे एक्सपेंसेस, ठीक है, संडे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ठीक है, संडे एक्सपेंसेस। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, इसलिए मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट किया और इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। जिसके बाद में जितने भी पैसे वो आपको डाल देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितने 80 रुपए हमारे, 80 रुपए डाल देते हैं, ठीक है। तो 80 मैंने यहाँ पे डाल दिया और जिसके बाद में इंटर करना है, इंटर। यहाँ पे आके आपको कैश सिलेक्ट करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैश सिलेक्ट कर लिया, ठीक है फ्रेंड। जिसके बाद में आपको इंटर करना है, इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारी पूरी एंट्री कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि आंसर कहाँ पर दिखेगा हमको, ठीक है। तो आंसर देखने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप की हेल्प से पीछे, ठीक है, एस्केप की हेल्प से पीछे आ गए हम। अब पीछे आने के बाद में आपको यहाँ पे जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पे आके इंटर करना होता है। और फिर आपको यह करना होता है, यहाँ पर जाना होता है अकाउंट बुक से, ठीक है, अकाउंट बुक से पाकर इंटर करना होता है। तो मैंने इंटर किया। अब आपको क्या करना है, कैश बैक, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, कैश बैंक बुक, ठीक है, यहाँ पर आकर आपको इंटर करना होता है। तो यहाँ पर आकर मैंने इंटर किया। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो, फाइनली हमारा आंसर आ चुका है फ्रेंड, ठीक है। आंसर आप मिला भी सकते हो, 8995 यहाँ पर है, 8995 यहाँ पर है हमारा, ठीक है। जो बैंक बैलेंस है वो कितना हमारा, 3600 रुपए, और यहाँ पर भी 3600 रुपए है, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।